गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम योर एसएसटी टीचर ऑफ क्लास फिफ्थ. यस्टरडे आई हैड रीड द फर्स्ट चैप्टर फॉर यू एंड नाउ इट्स द टाइम टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर एज आई टोल्ड यस्टरडे. सो गेट रेडी टू फॉर एक्सप्लेनेशन. ओके, गेट लेट्स स्टार्ट. द ग्लोब, अ मॉडल ऑफ द अर्थ. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द ग्लोब. इट इज अ टाइप ऑफ मॉडल ऑफ एन अर्थ. सो लेट्स स्टार्ट. द ग्लोब, आवर अर्थ लाइक ऑल अदर हेवनली बॉडीज इज स्फेरिकल इन शेप. हमारी अर्थ जैसे ऑल हेवनली बॉडीज, मतलब जैसे ऑल प्लैनेट्स हैं, वैसे ही हमारी अर्थ भी कैसी है? स्फेरिकल है, गोल है शेप में. पीपल इन द पास्ट बिलीव्ड इट टू बी फ्लैट. एज यू कैन रीड इन अर्लियर क्लासेस ऑल्सो, के जो पुराने पीपल थे वो क्या मानते थे कि जो अर्थ है वो कैसी है? इट इज फ्लैट. बट वॉट इज द एक्चुअल थिंग? बट द फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम द स्पेस प्रूव दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप. लेकिन जो फोटोग्राफ्स थी, फोटोग्राफ्स किसने खींची थी? नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन, राइट? That you have read in fourth class. Okay, जो उन्होंने photos खींची थी उससे लोगों को पता चला और उन्हें भी पता चला कि जो अर्थ है it is not flat, it is spherical in shape. It looks like an orange slightly flattened at the poles and bulging at the equator. अर्थ कैसा है? ऑरेंज की तरह. ऑरेंज तो पूरा गोल होता है, बट जो अर्थ है वो पोल्स की तरफ से ऊपर और साउथ और नॉर्थ में थोड़ा फ्लैट है, सीधा है. अदरवाइज इट इज स्फेरिकल. दिस पर्टिकुलर शेप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोइड. इस शेप को हम क्या कहेंगे? जियोइड. ओके, अंडरलाइन दिस वर्ड जियोइड. द शेप ऑफ द अर्थ कैन बेस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ मॉडल सो दैट वी कैन स्टडी इट प्रॉपरली. दिस मॉडल इज कॉल्ड ग्लोब. जो अर्थ की शेप है वो हम एक और चीज़ से अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो है एक अर्थ का मॉडल. उस मॉडल को क्या कहते हैं? ग्लोब. दैट यू कैन सी इन पिक्चर, ये पूरा ग्लोब है. ये ऐसे हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं. इट कैन मूव सो दैट थ्रू दिस मॉडल वी कैन सी ओ होल द मॉडल ऑफ द अर्थ. नॉट एक्चुअल बट समथिंग सेम. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस. इफ यू लुक एट द ग्लोब यू विल फाइंड दैट द मोस्ट पार्ट्स ऑफ द पेंटेड ब्लू विच रिप्रेजेंट ओशियंस. ओके, देयर आर फोर मेन ओशियंस. अब पहले हम ओशियंस के नाम पढ़ते हैं. ये जो आपको इन दोनों पिक्चर्स में ब्लू पार्ट दिख रहा है, दिस इज द ओशियन. अब ओशियंस कितने होते हैं? चार होते हैं, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन. सम ज्योग्राफर्स आइडेंटिफाई अनदर ओशियन नेम्ड एज द सदर्न ओशियन और द एंटार्कटिक ओशियन. वैसे तो चार ही होते हैं, लेकिन कुछ ज्योग्राफर्स ने ऐसा कहा, जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जो ज्योग्राफी को सर्च करते हैं उसे क्या कहते हैं? ज्योग्राफर्स. ओके, जो फिलॉसफी पढ़ते हैं, फिलॉसफी समझते हैं, उन्हें फिलॉसफर कहते हैं. ऐसे ही जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी समझते हैं, ज्योग्राफी पर रिसर्च करते हैं, उन्हें ज्योग्राफर्स कहते हैं. तो कुछ ज्योग्राफर्स ने आइडेंटिफाई खोजा, पता चला उन्हें कि उन्होंने एक और ओशियन को नेम दे दिया जिसका नाम था सदर्न ओशियन, और उसे हम एंटार्कटिक ओशियन भी कह सकते हैं. वाइल अदर्स, और कुछ अदर्स ने कहा बिलीव इन द एक्सटेंशन ऑफ थ्री ओशियंस. कुछ ज्योग्राफर्स ने एक और नाम दे दिया, मतलब पाँच कर दिए. कुछ कहते थे कि सिर्फ तीन ही ओशियंस हैं, विच आर पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन. ठीक है, सो द पैसिफिक ओशियन इज द बिगेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशियन. जो पैसिफिक ओशियन है वो डीपेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा गहरा है, और बिगेस्ट सबसे ज्यादा बड़ा है. वाइल द एटलांटिक इज द बिजिएस्ट ओशियन, और जो एटलांटिक है
वो बिजिएस्ट ओशियन है. यू कैन सी द ब्लू पार्ट इन बोथ इन द सदर्न हेमिस्फीयर. नाउ यू विल ऑल्सो सी इन द इमेज, यू विल ऑल्सो फाइंड मेजर एरियाज पेंटेड येलो और ब्राउन. आप लोग देखेंगे कुछ कुछ एरियाज हैं जो पेंटेड हैं, जैसे येलो, इट इज ब्राउन, इट इज रेड, ग्रीन, पर्पल, पिंक. ठीक है, दीज कलर, दीज आर मेजर लैंड एरियाज ऑफ अर्थ. ये लैंड एरिया है अर्थ के. द ब्लू पार्ट इज द वॉटर एरिया एंड द कलर्ड पार्ट इज द लैंड एरिया ऑफ द अर्थ. दीज डोनेट कॉन्टिनेंट्स. ये कलर्ड क्या शो कर रहे हैं? कॉन्टिनेंट्स. द अर्थ हैज, देयर आर सेवन कॉन्टिनेंट्स, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया. वेयर इज एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट, एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. यू कैन सी इन द इमेज द देयर इज बिगर एरिया ऑफ एशिया एंड लेसर एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया. दिस इज एंटार्क्टिका. Come to the next page. You will also notice some vertical and horizontal line of lines of the on the globe. आपने कभी कभी देखा भी होगा कि वहाँ उस पर ग्लोब पे कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल लाइन बनी होती हैं. बिसाइड्स देयर आर टू फिक्स पॉइंट ऑन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द ग्लोब. और इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि टॉप और बॉटम पे कुछ फिक्स्ड पॉइंट हैं ग्लोब के. दीज फिक्स्ड पॉइंट आर कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. इन फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. द इमेजिनरी लाइन एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द टू पोल्स इज कॉल्ड इक्वेटर. इमेजिनरी लाइन दो पोल्स के बीच की, बीच में जो मिडल लाइन होती है ग्लोब के, इट इज कॉल्ड इक्वेटर. द इक्वेटर डिवाइड्स द ग्लोब इन टू टू हेमिस्फेयर. जो इक्वेटर होता है वो ग्लोब को टू हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देता है, विच इज नदर हेमिस्फेयर. नदर मतलब ऊपर वाले का, और तीसरा दूसरा सदर हेमिस्फेयर. इट रन्स अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द ग्लोब. ये पूरे सर्कल के सर्कमफेरेंस के चारों तरफ घूमता है. पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. यू विल सी फुल सर्कल्स ऑन द ग्लोब रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. आपने देखे होंगे पूरे सर्कल. दिस इज इधर द सर्कल्स ईस्ट वेस्ट. दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट ऑन डायरेक्शन. दीज सर्कल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. इन सर्कलों क्या कहते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड विच आर मेजर्ड इन डिग्री. जो डिग्रीज में मेजर्ड होते हैं. द इक्वेटर रिप्रेजेंट जीरो डिग्री लैटिट्यूड. जो इक्वेटर होता है मतलब इस ये जो इमेजिनरी लाइन है ये सिर्फ जीरो डिग्री पर बनती है. जीरो डिग्री इज इट देयर. ठीक है, यू कैन सी इन योर बुक. ईच हेमिस्फेयर हैज 90 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड. हर एक हेमिस्फेयर का 90 डिग्री होगा. ये पूरा हेमिस्फेयर, दो हेमिस्फेयर होते हैं तो ये पूरा, ये इस पूरे हेमिस्फेयर का होगा 90 डिग्री और इस पूरे हेमिस्फेयर का होगा 90 डिग्री. द होल अर्थ कंसिस्ट ऑफ 180 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड. 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो इट इज एक्चुअल दैट होल अर्थ इज कंस्टिट्यूट ऑफ 180 डिग्री लैटिट्यूड्स. 90 डिग्री लैटिट्यूड्स इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर इज कॉल्ड नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल ये वाला एरिया. ठीक है, एंड साउथ पोल इज दिस एरिया. बिसाइड्स द इक्वेट देर आर सम अदर लैटिट्यूड्स. इसके अलावा भी कुछ अलग लैटिट्यूड्स होते हैं, विच आर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड टार्कटिक सर्कल. इन दिस पिक्चर यू हैव ऑल थिंग्स. आर्कटिक सर्कल, दिस यू हैव टू प्रिपेयर दिस डायग्राम. दिस डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट. यू हैव टू ड्रॉ दिस ऑन योर कॉपीज फॉर योर प्रैक्टिस ओनली. द डिग्री ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23/2 डिग्री नॉर्थ, बिकॉज इट इज इन नॉर्थ. तो दिस इज दिस डिग्री इज दिस. ओके, मतलब इनकी डिग्री दे रखी है. दिस इज एंटार्क्टिक सर्कल. एंटार्क्टिक सर्कल इज ऑलवेज विद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आर्कटिक सर्कल विल ऑलवेज एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. यू हैव टू लर्न दिस डिग्रीज. द एबव लैटिट्यूड हेल्प इन डिवाइडिंग द अर्थ इन टू वेरियस क्लाइमेटिक जोन. अब
इन लैटिट्यूड्स के थ्रू हम क्लाइमेटिक जोन्स भी करते हैं, दैट इज टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस अ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 10 डिग्री. अपनी कन्वीनियंस के अनुसार ये जो लैटिट्यूड्स की डिग्री होती है इसमें 10 का डिफरेंस होता है, दैट यू कैन सी ऑन बुक्स. दिस इज 0 डिग्री विच इज इक्वेटर, आफ्टर इट 10 डिग्री, देन 20, देन 30, देन 40, देयर इज द डिफरेंस ऑफ 10 डिग्री. ऐसे यहाँ पे ऊपर एट द नॉर्थ 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80, दिस इज नॉर्थ. मतलब जो लैटिट्यूड के जो पैरेलल लैटिट्यूड्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना होता है, टाइम इंटरवल 10 डिग्री का. ठीक है, द इक्वेटर इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल लैटिट्यूड्स. जो इक्वेटर है वो सबसे बड़ा लैटिट्यूड है, सब लैटिट्यूड्स को हटा के ये सबसे बड़ा लैटिट्यूड है. द लेंथ ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस एज वी मूव अवे. जब हम आगे बढ़ते जाते हैं पोल्स की तरफ तो जो लैटिट्यूड की डिग्रीज होती हैं वो कम होती जाती है. नाउ मेरिडियंस ऑफ लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, यू विल फाइंड सम वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस को तो क्या कहते हैं हम, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्ग वर्टिकल लाइंस को कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स. इन फैक्ट दीज आर सेमी सर्कल्स ज्वाइनिंग दीज प्लेसेस. ओके, ये जो है आपका, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज वर्टिकल लाइन, दिस इज लॉन्गिट्यूड्स. ये जो सेमी सर्कल है ये बीच में जो आ रहा है आपका, दिस इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. ओके, यू कैन सी इन दिस द 0 डिग्री मेरिडियन पासेस थ्रू द ग्रीनविच लेबोरेटरी नियर लंडन इज UK. दिस इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. इट डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 हेमिस्फीयर. इसमें तो इक्वेटर डिवाइड कर रहा था, इसमें प्राइम मेरिडियन डिवाइड कर रही है दो पार्ट्स में, विच इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर. इसमें जब इक्वेटर था हॉरिजॉन्टली था, विच इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. अगर इसमें इक्वेटर है तो वर्टिकल है, विच इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. यही इसमें है कि इसमें 2 डिग्रीज होती हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. इसमें क्या था, इसमें इनकी डिग्रीज थी 90 डिग्री, एक हेमिस्फीयर की डिग्री थी 90 डिग्री. इसमें भी दोनों हेमिस्फीयर की, एक हेमिस्फीयर की 90 डिग्री, दोनों दोनों की प्लस करके होती थी 180. इसमें एक की 180 होती है, दूसरे की 180 होगी. 180 प्लस 180 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. मेरिडियंस टू द ग्रीनविच, ये इसमें हम एनी और एस ई से करते थे, इसमें हम किससे करते हैं, ईस्ट को हम ई से करेंगे और वेस्ट आर मार्क्ड एज डब्ल्यू. ठीक है, यही है आपका. एंड नाउ ग्रेड, व्हाट इज ग्रेड, नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. जब लॉन्गिट्यूड प्लस लैटिट्यूड एक पॉइंट पे जब बनते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रेड. कट ईच अदर, जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो राइट एंगल मैंने कल भी बताया था, एट यस्टरडे आई हैड सेड यू दैट राइट एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. द ग्रिड हेल्प्स अस इन लोकेटिंग प्लेसेस. जो ग्रिड होती है वो हमें प्लेसेस को लोकेट करने में हेल्प करती है. फॉर एग्जाम्पल, पुडुचेरी लाइज ऑन 12 डिग्री नॉर्थ हेयर एंड नॉर्थ ईस्ट में इट लाइज. वी कैन फाइंड द व्हाट इज पुडुचेरी, आई हैड रीड अर्लियर यस्टरडे. पुडुचेरी इज द नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी. ओके, so this is the degrees of Puducherry. We can find the exact location of Puducherry with the help of latitude. This is not exact. With the help of latitudes and longitudes we can find its location. Please read this recap points. Now read this chapter at home thoroughly. I hope that you all understand this chapter. After reading you will get perfectly. Okay class, thank you and have a nice day. Goodbye.